Guys, welcome to my channel. So in today's video I will be revealing why I left my cabin crew job. मुझे बहुत सारे लोग पूछ रहे थे that दीदी आपने आपका cabin crew job क्यों छोड़ा, तो मैं आपको बताऊंगी. मैंने बताया है वैसे तो comments में, but इस video में मैं आपको थोड़ी बहुत details दूंगी. I won't share every detail because बहुत लंबी हो जाएगी वीडियो एंड मुझे इतना लंबा नहीं करना है. सो या आई बी शेयरिंग सम रीजंस व्हाई आई लेफ्ट माय कैबिन क्रू जॉब. सो या विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो. सो कैबिन क्रू बनने के लिए आपको रिक्वायरमेंट्स मीट करना पड़ता है. तो सिर्फ आपको अपनी हाइट, अपना वेट एंड वो सारी चीजें, आपकी कम्युनिकेशन, आपकी पर्सनालिटी, वो तो है ही इम्पोर्टेंट पार्ट कैबिन क्रू बनने के लिए, बट वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर्स दैट विल हेल्प यू बिकम अ कैबिन क्रू एंड आपके पास अगर वो होगा तो आप कैबिन क्रू बन पाओगे, इज यू नीड टू बी फिजिकली फिट. आपको फिजिकली फिट होना बहुत इम्पोर्टेंट है. तो आप तब तक कैबिन क्रू बन नहीं सकते हो जब तक आपका मेडिकल रिपोर्ट्स फिट टू फ्लाई नहीं बताए. आपके मेडिकल रिपोर्ट्स सारे क्लियर, सारे अच्छे नहीं आए, तब तक आप कैबिन क्रू नहीं बन सकते हो. जैसे कि फॉर इंस्टेंस अगर आपका हेमोग्लोबिन 0.1 भी कम है, सो दे विल नॉट कंसिडर यू. दे आर सो पर्टिक्यूलर, दे आर एक्सट्रीमली स्ट्रिक्ट व्हेन इट कम्स टू योर हेल्थ. तो आपको आपका हेल्थ बहुत अच्छा होना चाहिए कैबिन क्रू बनने के लिए. तो मैंने अपनी कैबिन क्रू जॉब क्यों छोड़ी? मुझे अपनी कैबिन क्रू जॉब नहीं छोड़नी थी, बट ड्यू टू सम रीजन आई हैड मेडिकल इश्यू. तो मेरा मेडिकल इश्यू ऐसा था कि मुझे आई हैड टू गेट द ट्रीटमेंट डन. मतलब मुझे या तो ऑपरेशन करवाना पड़ता या तो मुझे एक लंबा सा मेडिकल मेडिसिन का जो प्रोसेस रहता है वो लेना पड़ता. सो आई डिडंट वांटेड टू गेट एनी ऑपरेशन डन बिकॉज अभी इतनी छोटी एज में इट वाज नॉट समथिंग बिग दैट मुझे ऑपरेशन करवाना पड़े. सो या आई हैड किडनी स्टोन्स, तो मुझे किडनी स्टोन्स हो गया था एंड दैट्स द रीजन आई हैड टू टेल माई बेस दैट आई नीड सम टाइम टू गेट द ट्रीटमेंट डन. सो इट वॉजन्ट अ बिग किडनी स्टोन, आई जस्ट हैड टू किडनी स्टोन्स, वेरी टाइनी किडनी स्टोन्स, बट आई डोंट नो वो क्योर क्यों नहीं हो रहे थे बिकॉज माई कंपनी वॉज एक्सट्रीमली सपोर्टिव टू मी. उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट दिया, मेरा बहुत साथ दिया, मुझे बहुत टाइम दिया ये क्योर करने के लिए. बट माई डॉक्टर वॉज लाइक माई बॉडी इज सच दैट मेरे बॉडी में यूरिक एसिड का कुछ बहुत ज्यादा बढ़ता है, तो उसके वजह से किडनी स्टोन को क्योर होने में थोड़ा टाइम लगता है. सबके बॉडी की टाइप अलग रहती है एंड मेरी बॉडी टाइप ऐसी थी. सो माई कंपनी पीपल वर लाइक यू टेक योर टाइम एंड गेट द ट्रीटमेंट डन, बट माई कंपनी वॉज टेलिंग मी इट्स बेटर इफ यू गेट इट ऑपरेटेड. बट माई डॉक्टर वॉज लाइक नो, इफ यू गेट इट ऑपरेटेड देर आर चांसेस दैट वो फिर से बन सकता है स्टोन बिकॉज ऑफ माई इश्यू ऑफ यूरिक एसिड का, आई टोल्ड यू ऑल. सो फिर बाद में माई डॉक्टर टोल्ड मी दैट इट्स बेटर इफ यू टेक मेडिसिन, अगर मैं आपको मेडिकेशन पे रखू तो बेटर रहेगा. इट्स अ लॉन्ग टर्म प्रोसेस बट आपके लिए बेटर रहेगा. सो देन इवन आई थॉट, इवन माई पेरेंट्स वर लाइक या लेट्स गो फॉर मेडिकेशन बिकॉज ऑपरेशन करवाना एंड देन रिस्क लेना इज लाइक नो नो, बिग नो. सो आई डिडंट वांटेड टू टेक एनी रिस्क. सो आई शेयर्ड दिस थिंग विथ माई कंपनी एंड माई कंपनी वॉज टेलिंग मी दैट डू, दे वर टेलिंग मी टेक एज मच टाइम एज यू वॉन्ट बट प्लीज गेट इट ऑपरेटेड एंड प्लीज ज्वाइन अगेन. सो आई टोल्ड देम एवरीथिंग दैट इफ आई गेट इट ऑपरेटेड देर आर चांसेस दैट आई माइट गेट दिस थिंग बैक बिकॉज ऑफ द यूरिक एसिड थिंग गोइंग ऑन इन माई बॉडी. सो देन I had only one option left. I didn't wanted to waste my company's time because they were being very, very supportive towards me. But still, I felt that नहीं, मैं बहुत time waste कर रही हूँ मेरी company का because I don't want that मेरे वजह से उनको हर महीने तकलीफ हो, हर महीने उनको. They used to call me, my manager used to call me every month to check on me that if I'm fine, how am I progressing and everything. He used to call me every month. So I want to thank my company from the bottom of my heart for being so supportive while I was medically unfit. They didn't wanted me to leave the job at any cost, but then I decided to leave my job because
I didn't wanted to waste my company's time, and my medicine process was a long-term process. So I thought health comes first, health is priority. As it is said, health is wealth. तो अगर आपकी सेहत अच्छी है तो jobs तो बहुत मिल जाएगी, but अगर आपकी सेहत ही खराब हो तो आपको जॉब करके कोई फायदा ही नहीं है. बिकॉज यू हैव अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मोर देन 400 पैसेंजर्स ऑन योर हेड इन अ सिंगल डे. सो अगर आप ही बीमार हो तो आप दूसरे जो पैसेंजर्स है 400 टू 500 पैसेंजर्स उनका कैसे ख्याल रख पाओगे. सो या आई थॉट दैट आई टेक अ लीव, मैं थोड़ा ब्रेक लूंगी, आई गेट माई ट्रीटमेंट डन, I'll be fit, I'll be fine, and then once I'm fit to fly, only then I will rejoin my airline. So yeah, that's the reason I left my job. Now, like, it's been a long time that I'm fine, I'm cured completely, and ab I'm ready to fly. And that's the reason main itne time se jo videos bana rahi hu usme main bol rahi hu beech beech mein that I want to fly again. So this is the reason maine meri job chhod di thi, ab mujhe fir se fly karna hai. So yeah, that's the reason I left my job. So now I really wish I fly again very very soon, and yeah, that's it for the video. This is the reason why I left my job, and if you like the video then please like, share, comment and subscribe to my channel for more such cabin crew videos, and drop your topic suggestions in the comment section below. अगर आपको कोई topic suggest करनी है मुझे video बनाने के लिए तो आप please comment section में बताओ. And yeah, I'll see you all next time. Bye.